तो आज हम आए सिकंदर भैया के पास। सिकंदर भैया कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। और आप सुनाइए, क्या है आपका, क्या जायका रहा? और मैंने तो बहुत सी चीजें खिलाई हैं, और आज आप क्या खाएंगे मेरे पास? तो भैया आज आप हमें क्या बना के खिला रहे हैं? देखिएगा, ये बड़ी स्पेशल सी चीज है और ये पंजाब से चल के आई है। आपने देखा मेरे हाथ में कुल्लड़, और मैं आज आपको खिला रहा हूँ अंडों का कुल्लड़ पिज्जा। क्या बात कर रहे हो? देखिएगा, अंडों के पिज्जा वाली बात कर रहा हूँ। और कुल्लड़ पंजाब की जो बड़ा फेमस हुआ था कपल, उन्हीं से मेरा एक थोड़ा सा हेलो हाय हुई थी। तो कहते हैं सिकंदर भैया, क्या आप अंडों का भी पिज्ज़ा बना सकते हो? मैंने नहीं, मैं आप जैसा कुल्लड़ पिज्ज़ा तैयार करता हूँ। आइएगा, वो जायका तैयार करते हैं जिसे कहते हैं कुल्लड़ पिज्ज़ा। अच्छा जी हाँ, ये बाद में फायर भी होगा और ऊपर से लगाई जाएंगी चीज़, और कुल्लड़ पिज्ज़ा की तरह आपको सर्व करके दिया जाएगा। आइएगा, खिलाता हूँ मैं आपको कुल्लड़ पिज्ज़ा। तो उसमें हम पहले डालेंगे अमूल, दुनिया दिल्ली की जान, अमूल मक्खन। यस, और देखिए गाइस, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं की जा रही। ऊपर डाल रहे हैं प्याज, मिर्चें, अदरक, महंगे महंगे टमाटर है, उसके ऊपर धनिया, और अभी हम इसको अच्छी तरह और भूनते हैं, और फिर अभी और भी जायके डालेंगे। और मैं आज आपके सामने तैयार करूंगा कुल्लड़ पिज्ज़ा। जी हाँ, पंजाब की शान या दिल्ली की शान, स्वाद के सिकंदर की। जैसे कुल्लड़ पिज्जा में ब्रेड डलती है, अच्छा वैसे मैं ब्रेड भी डालूंगा। अच्छा। और इस जायके को तैयार करके आज खिलाऊंगा आपको स्पेशल कुल्लड़ पिज्जा। जी हाँ, एग कुल्लड़ पिज्जा। अच्छा। बड़े अलग जायके हैं मेरे स्वाद के। देखिएगा, मैं अलग से अलग फ्लेवर देता हूँ क्योंकि ये मेरी पहचान बन चुकी है। आइएगा, ब्रेड भी डालते हैं, और फिर मैं डालूंगा इसके अंदर अभी अंडे, और फिर यहाँ के चीजें डलेंगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तीन अंडे हैं जो अंडे वाले कुल्लड़ को पिज्जा के अंदर देने के लिए चाहिए। ये तीन अंडे, ठीक है जी। आइएगा, और भी तैयार करते हैं। पहले नमक, फिर ये बाऊजी के मसाले की चुटकी। अभी 15 से 18 मसाले। जी हाँ, वही जायका मेरे बाऊजी वाला। और ये लाल मिर्च, ये देगी हल्दी, हल्दी है, ये देगी मिर्च। देखिएगा, स्वाद बढ़ाने के लिए सारे जायके डालेंगे, और आप देखते जाइएगा ये चाइनीज मसाला जो इसको और भी स्वाद बनाएगा। फिर धनिया, धनिया आप देख सकते हैं क्या जायका निकल रहा है। और मैं अभी इसके अंदर और क्वार्टर मक्खन डालूंगा इसको फ्राई करने के लिए। अच्छा, क्योंकि ये स्वाद के जायके हैं और सिकंदर स्वाद छोड़ता नहीं है। ये लीजिएगा, आपने बहुत चीज़ें खाई हैं, मगर ऐसे जायके खाने के लिए अभी दो तीन चीज़ें और डालेंगी, मैं आज वो भी डालूंगा, और आज आपको खिलाऊंगा स्पेशल एग कुल्लड़ पिज्ज़ा। जी हाँ, अच्छा। अंडों का एग कुल्लड़ पिज्ज़ा आपने नहीं खाया, आज मैं वो खिलाऊंगा जो पंजाब की जान थी और दिल्ली की जान है, स्वाद का सिकंदर। आइएगा, डालते हैं ऑर्गेनो और फ्लेक्स, थोड़ा सा पिज्ज़ा बनने के लिए जो फ्लेवर डालते हैं वो भी डालते हैं, और थोड़ी सी डालेंगे मेयोनीज, और फिर डालेंगे एग वाली तंदूरी मेयोनीज। देखिएगा, मैंने सारी डालनी है, और फिर हल्की सी डालेंगे केचप। जी हाँ, वो केचप भी क्यों, क्योंकि जायका बड़ा प्यारा बनाना है तो आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। एक मिनट, देखिए ये स्वाद अनुसार थोड़ी सी डलती है, और ऐसे जायके बनाने के लिए, कुल्लड़ के लिए पहले चीज़ भी खोली जाएगी और चीज़ भी लगेगी, और कुल्लड़ की तरह प्यार होगा। ये कुल्लड़ पिज़्ज़ा और अंडों का फ्लेवर, और ऐसे कुल्लड़ पिज़्ज़ा को तैयार करना, ये सिर्फ स्वाद के सिकंदर का काम है, और जायके बड़े प्यारे बनेंगे। आइएगा, मैं वो खिलाता हूँ जो आपने कहीं नहीं खाया हो, जिसको कहते हैं एग कुल्लड़ पिज़्ज़ा। देखिएगा, चीज़ और मैंने तैयार कर रहा हूँ, दो चीज़ भी लगेंगी, और ये जायका बिल्कुल अच्छी तरह तैयार होगा। ये हमारी चीज़ डल रही है। हाँ, चीज़ भी डलेगी सर, और बड़ा प्यारा प्यारा स्वाद भी खिलाया जाएगा आपको, क्योंकि ये जायके कुल्लड़ से शुरू होते हैं, कुल्लड़ पे ही ख़त्म होते हैं। और कुल्लड़ के जायके कैसे बनाने हैं ये देखिएगा, ये मैंने डालना शुरू कर दिया है, आधी चीज़ अंदर। देखिएगा, ये कुल्लड़ पिज़्ज़ा बन रहा है। अंडे तो बहुत खाए हैं, मगर ऐसे कुल्लड़ नहीं खाए होंगे जो मैं खिलाना चाहता हूँ आपको, और ऐसे ही जायके तैयार होते हैं। ये लीजिएगा, और बाकी का डालते हैं, और ऊपर से लगाते हैं, और फिर करेंगे इसको फायर। ओहो, फायर। जी हाँ, ये भी तैयार करके देना है, और कुल्लड़ को कुल्लड़ के तरीके से पेश करना, और ऐसे जायके बनाना, ये स्वाद के सिकंदर की पहचान है।
और ऐसे ही जायके बनते हैं। आइएगा, खिलाता हूँ मैं आपको एक कुल्लड़ पिज़्ज़ा। गाइस देखिए, अब इसमें आग लगते हुए गाइस में आग लगते हुए देखेगा, एक कुल्लड़ पिज्जा बनाना है तो ऐसे ही जायके तैयार किए जाते हैं। देखिए गाइस, दोबारा आग लगाते हुए इस पे। एक मिनट, आइएगा सर्व करते हैं। ये तैयार हो चुका है कुल्लड़, और उसकी प्रेजेंटेशन और बाऊजी का नाम, जी हाँ, वो ज़रूर डालता हूँ मैं, और वो भी रेडी करते हैं एक कुल्लड़ पिज़्ज़ा के अंदर। ये स्वाद का सिकंदर का, जी हाँ, लोगो, ये मेरा लोगो, देखिएगा, ये हल्का हल्का धनिया, ये लीजिएगा, आपके लिए एक कुल्लड़ पिज़्ज़ा तैयार है। आपने नहीं खाया, अगर ऐसी चीज़ें खास खाना चाहते हैं तो आप आइएगा, और थोड़ा सा इटालियन स्वाद ऑर्गेनो फ्लेक्स मैं वो भी डाल रहा हूँ, और आप उस जायके का स्वाद लीजिएगा। ये लीजिएगा, तैयार है आपका एक कुल्लड़ पिज़्ज़ा, आपके लिए तैयार है, और आपने आना है 4 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक। स्वाद का सिकंदर।